मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। काली की सेवा करते हैं हो। सुने जब ते दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहाँ और जाऊँ कहाँ, तेरे नाम की भेंट कसी है, 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 तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु तो कोई दो जो जसी है,
देह मुरार पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कब तुम भी मेरे घर आया करो, कब तुम भी मेरे घर आया करो, कब तुम भी मेरे घर आया करो। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जय हो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्ष वांछात कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने के पूर्व मंच पर विद्यमान समस्त विप्र एवं संत समाज भक्तिमयी माताएं
वक्त में विद्यमान विद्युत जन सभी के हृदय में बैठे हुए श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा सा बेस कम कर दो और प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। आइए, कल आपने श्रवण किया कि भगवान जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में अहिल्या का भगवान उद्धार करते हुए जब चलने लग जाते हैं मन खिन हो जाता है भगवान। क्यों? क्योंकि आज भगवान सोचते हैं कि मेरे चरणों की जो रज है वो ऋषि पत्नी के ऊपर स्पर्श हो गई, लेकिन अहिल्या कहती है जहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रभु, आपके चरण और चरणों का रज का अत्यधिक महत्व है। ये चरण कोई साधारण नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ ने प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, भगवान के चरणों चरण का और चरण रज का अत्यधिक महत्व है। भगवान शंकर जब तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उनको चरण नहीं दिया, क्या दिया कि चरणोदक दिया। सिर पे गंगा जी विद्यमान है, भगवान का चरणोदक है। ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या करी तब जा करके आपने प्रभु चरण धुलने का मौका दिया, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं। बहुत भाग्यशाली मानती हूं। लोग कहते हैं प्रभु कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, परंतु लोग गलत बोलते हैं। क्योंकि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं अपितु वरदान दे दिया है कि आपसे आप स्वयं मेरे पास चल के आए, यह तो वरदान ही हुआ ना प्रभु। अहिल्या अपने पति लोक में जाती है, भगवान आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र के साथ। चले राम लची मन मुनि संगा, चले राम
प्रकार सुर आगे चलते हैं भगवान, चलने लग जाते हैं राम जी को लक्ष्मण जी को साथ लेकर के। सारी कथा गंगा उतरण की विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी को सुनाने लग जाते हैं, किस प्रकार गंगा जी का उतरण हुआ। मैं कल आपको निवेदन कर चुका था, भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी इस धरती पर आई थी। भगवान ने पहले महिमा को सुना, भगवान ने यह बात निवेदन अपने लिए नहीं अपितु हमारे सब के लिए करी है कि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं, गंगा जी में जाएं, तो सबसे पहले उस तीर्थ स्थान की महिमा को सुने। आप विचार कीजिए कि अहिल्या अभी ही भगवान की गंगा अवतरण की कथा कहने लग जाती है। अहिल्या अभी भगवान को सुना रही थी, अहिल्यापति लोक को गई, विश्वामित्र गंगा के किनारे आया और पुनः गंगा जी की महिमा सुनाने लग जाते हैं। तो भगवान श्री राम यह भी कह सकते हैं, महाराज अभी अभी तो मैंने गंगा की महिमा सुनी है और आप पुनः मुझे सुना रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कहना चाहते हैं कि आपने कितनी भी कथा सुनी हो, कितनी भी महिमा सुनी हो, लेकिन जब आपसे कोई बड़ा कथा सुना रहा हो ना, तो उसको बड़े प्रेम के साथ श्रवण करिए। जय श्री राम। अभी सही नहीं आ रही। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण किया और उसी गंगा जी जल में स्नान करके अपने शरीर को भी तृप्त किया है। स्नान करने के पश्चात भगवान तब प्रभु रिसेनो समेत नहाए, तब प्रभु ऋषिण समेत नहाए, विविध दान महि देवनि पाए, विविध दान महि देवनि पाए। भगवान एक बात और कहना चाहते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाए ना, वहां पर एक चीज एक कार्य अवश्य करिए। महिमा को तो सुनिए, लेकिन महिमा को सुन करके उस जगह पे दान जरूर करिए। बताया जाता है कि अपने धन का विभाजन जितना आप कमाते हो, उस धन का पांच हिस्से करने चाहिए। धर्माय सेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विविजन्मित्तम इहामत्रे च मोदते। भागवत का श्लोक है, राजा बलि को शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि राजा बलि, यदि तुम 1,00,000 रुपया कमाते हो तो उसके पांच हिस्से करो 20,000 के। सबसे पहले धर्म के अंदर लगाओ ताकि
आपका यश बना रहे। किसी तीर्थ स्थान पे गए, प्याऊ की व्यवस्था करी आए, धर्मशाला की व्यवस्था कर दी, दूसरा तीर्थों में लगाओ, तीर्थ में जाओ। जिस प्रकार शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धन को पवित्र करने के लिए दान की आवश्यकता होती है। दान की आवश्यकता तभी होती है ताकि जो हमारा धन है वह शुद्ध और पवित्र स्थान में लगे। प्रेम से बोलेंगे, एक कीर्तन कर दो छोटा सा कोई। रामचंद्र भगवान की जय। तो बताया कि पांच तरीके से अपने धन का विभाजन करना चाहिए। पहला धर्म में लगाना चाहिए, दूसरा तीर्थ में लगाना चाहिए, तीसरा अपने व्यापार में लगाना चाहिए, चौथा अपने सगे संबंधियों पे लगाना चाहिए, पांचवा स्वयं पे लगाना चाहिए। पांच प्रकार का विभाजन बताया गया है। जो इस तरीके से अपनी जीविका चलाता है वो यहां भी और वहां भी दोनों लोकों में सुखी रहता है। भगवान कहते किसी भी तीर्थ में जाओ, पहले तीर्थ की महिमा सुनो और उसके बाद वहां पर दान करो। अब आप सोचेंगे कि भगवान तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए थे, तो भगवान ने वहां दान कहां से दे दिया ब्राह्मणों को? गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, विविध दान मही देवन ही पाए, अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिया। तो दान कैसे दिया भगवान ने कि वहां पर स्नान करने के पश्चात भगवान ने दान का संकल्प लिया, संकल्प लिया कि हम यह दान देंगे। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से, विप्रों से, या तो आप अयोध्या में आइएगा कभी, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो हम आपको आ करके जो भी मैं संकल्प कर रहा हूं वह दान आप तक पहुंचाऊंगा। प्रेम से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, जय श्री राम। आगे चलते चलते जनकपुरी दिखाई पड़ती है। विश्वामित्र जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। पूरे रम्यता राम जब देखी, पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी, बापी कूप सरित सरणाना, सलिले सुधाव सम मनी सोपाना, गुंजत मंजो मत रस भंगा, प्रजत कल्प बहु बरंग विहंगा,
जनकपुरी नगरी दिखाई पड़ती है। विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी उस नगर की शोभा को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नगर की शोभा ही ऐसी थी कि भगवान श्री राम आनंदित हुए बिना रह नहीं पाए और गोस्वामी जी ने नगर की सुंदरता में अनेक चौपाई लिख डाली। नगर कैसा कि बहुत सुंदर, मणियों से सजा हुआ, सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प के पौधे लगे हुए हैं, भौरे पुष्प पे आकर के बैठ रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चौपास। विश्वामित्र जी ने भी जब नगर की शोभा को देखा तो उनका हृदय भी आनंदित हो गया। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति कितना भी दुखी हो लेकिन वो स्थान का ही प्रभाव इतना महत्वपूर्ण रहता है कि जिस स्थान का जैसे ही दर्शन करता है आनंदित हो जाता है कि महाराज आनंद आ गया। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। वो क्या है ना, जब तक हमारी माताएं बहनें अपनी कथा कहेंगी ना तब तक मेरी कथा आप लोगों को समझ आने वाली नहीं है। इसलिए आप अपना अमूल्य समय कथा को सुनने में दे रहे हैं। ये संसार की बातें तो बाद में भी हो सकती है। ऐसा सौभाग्य बताया गया है, भागवत का ही श्लोक है कि भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाश। जब अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जब भाग्य उदय होते हैं ना तभी यह कथा सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो पाता है। वरना लोग प्रयास तो बहुत करते हैं यहाँ आके बैठने का,